गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? वेरी गुड। चलिए निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, देखा था? ठीक है, आपने ए ए ओ अ अं अ इन वर्णों से वर्णों को मिलाया था। आज हम उसी ए से अ तक के वर्णों को फिर से मिलाएंगे। तरीका दूसरा रहेगा, आपका अभ्यास भी हो जाएगा। रिपीट कर देती हूँ मैं। तो आइए, आप किस क्लास में रहते हैं? नर्सरी में। वर्ण नर्सरी, विषय हिंदी। आपको पढ़ना है वर्णों से वर्णों को मिलाएं। तो आइए हम लिखते हैं ए ए ओ औ ए ए आ से मिलाते हैं, ठीक है ना? आ आ ई ई उ उ री, ठीक है? आ से री तक हमने लिखा। अब इसे क्या करना है, इसी के सामने हम अ से री तक लिखेंगे, लेकिन वो अलग अलग जगह पे रहेगा। अ है अगर यहाँ तो यहाँ दूसरा वर्ण होगा, और नहीं होगा। और आपको इसमें से ढूंढ करके एक दूसरे वर्ण को एक जैसे वर्ण में मिलाना है। चलिए तो यहाँ मैं लिखती हूँ री उ
वर्ण को मिलाना है, और एक जैसे वर्ण अगर यहाँ अ है तो यहाँ भी अ ही होना चाहिए। हम कभी भी अ से आ को तो नहीं मिलाएंगे क्योंकि वो अलग अलग वर्ण हो गया, वो एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं है, तो वो नहीं मिलेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है इधर कोई भी वर्ण लिखा हुआ है तो बिल्कुल सामने वही वर्ण है या नहीं, हम उसे ढूंढेंगे फिर एक दूसरे से मिलाएंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़िए क्या ये अ, अब इसमें ढूंढिए अ कहाँ है, ये मिल गया तो आ से आपको मिला दिए। फिर ढूंढिए आ, आ मिल गया, ई ई है ना, एक जैसा वर्ण बोलने में भी दिख भी रहा है और हम पढ़ रहे हैं ई ई, एक जैसे वर्ण है तो मिला दिया। फिर ई ई उ उ उ उ री री हो गया। फिर ए ए ओ अ अं अ, इन वर्णों को मिलाना है। यहाँ दिया है देखिए नीचे से पढ़िए इसे ए ए ओ अ अं अ, दोनों सेम है लेकिन ये अलग है और ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि सामने सामने नहीं लिखा हुआ। अब इसे ढूंढेंगे ए, इसमें ढूंढिए ये कहाँ है, ये रहा, इसे ए को मिला दिए। ए ए ओ ओ ओ ओ अं अं अ अ, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, आ से री तक और ए से आ तक इन वर्णों को वर्णों से मिलाया। तो बच्चों आपको समझ में आया किस तरह से मिलाना है, एक समान वर्ण है उसे हम आमने सामने मिलाएंगे। तो ये आपका अ से री और ए से अ तक के वर्णों को मिलाया हमने। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप इसका अभ्यास करते रहिएगा। बाय बच्चों।